हेलो गाइस, दिस इज शोइकत। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि Xiaomi का Redmi 6 Pro ये डिवाइस एक आने वाला है। इस मंथ के 25 को ये डिवाइस चाइना में लॉन्च होगा। और आज सुबह ही मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल में, जिसमें मैं बताया था कि इस डिवाइस का जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है, कुछ फोटोज है, बहुत सारी फोटोज लीक हो गया है इंटरनेट में लॉन्च से पहले। और दोस्तों, जो जो कलर वेरियंट में ये Redmi 6 Pro आएगा वो है रोज गोल्ड, सैंड गोल्ड, लेक ब्लू, ब्लैक और फ्लेम रेड। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस डिवाइस के लेक ब्लू कलर के बारे में। तो पहले भी इस डिवाइस का बहुत सारे फोटोज, अनबॉक्सिंग वीडियो सब कुछ लीक होके आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डिवाइस का ब्लू वर्जन भी लीक होके आया है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पिक्चर, इस पिक्चर में हमें देखने को मिलता है मोबाइल की लेफ्ट कॉर्नर। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल की लेफ्ट कॉर्नर, उसमें हमें देखने को मिलता है सिम ट्रे। और ये हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, ये डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट भी हमें इस डिवाइस में देखने को मिलता है। सेकंड पिक्चर में आपको देखने को मिलता है मोबाइल की फ्रंट साइड, हमें देखने को मिलता है इस डिवाइस में नॉच। और मोबाइल की बॉटम में हमें थोड़ा सा बेजल देखने को मिलता है। थर्ड पिक्चर में हमें मोबाइल देखने को मिलता है डिस्प्ले बंद है। फोर्थ पिक्चर में हमें देखने को मिलता है मोबाइल की रियर साइड, और नीचे की साइड हमें देखने को मिलता है इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट, माइक और स्पीकर। अगले पिक्चर में हमें देखने को मिलता है मोबाइल की कैमरा का प्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, एकदम सिमिलर लगता है Redmi Note 5 Pro जैसा ही लगता है इसका कैमरा का प्लेसमेंट। और फिंगरप्रिंट सेंसर का प्लेसमेंट भी एकदम सेम ही है। और ये कलर ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मेरे हिसाब से बाकी सब कलर से ये ब्लू कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों, एक अपडेट ऐसा है कि हम इस डिवाइस के नॉच को हाइड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको नॉच पसंद नहीं है तो आप नॉच को हाइड भी कर सकते हैं इस डिवाइस का, Redmi 6 Pro का। और दोस्तों, बात करें अगर इस डिवाइस के डिस्प्ले साइज की, तो हमें इस डिवाइस में देखने को मिलेगा 5.84 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। और ये डिवाइस हमें देखने को मिलेगा 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 625 वाला चिपसेट। और रैम स्टोरेज वेरियंट की बात करें तो ये डिवाइस हमें देखने को मिलेगा 3GB प्लस 32GB और 4GB प्लस 64GB रैम स्टोरेज ऑप्शन के साथ। और कैमरा के सेंसर की बात करें तो हमें इस डिवाइस में देखने को मिलेगा 12MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा। और फ्रंट में हमें देखने को मिल सकता है 5MP का सेल्फी कैमरा। और दोस्तों, पहले ये लीक आया था कि इस डिवाइस की फ्रंट पैनल में हमें 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन लीक तो लीक ही होता है, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। जब ये डिवाइस लॉन्च होगा तब कंप्लीट हमें इस डिवाइस का स्पेसिफिकेशन पता लग जाएगा। और दोस्तों, इस डिवाइस के ब्लू कलर वेरिएंट के साथ ही साथ इस डिवाइस का जो कैमरा का सैंपल्स है और कैमरा का जो स्पेसिफिकेशन है, कैमरा का जो डिटेल्स है, वो भी लीक कर दिया है Xiaomi ने खुद ही अपने वेबो अकाउंट में। इस डिवाइस का जो रियर कैमरा का मेन सेंसर है 12MP का, उसका पिक्सल साइज है 1.25 माइक्रोन साइज। तो बहुत ही अच्छा पिक्चर हमें देखने को मिलेगा इस डिवाइस से, और बहुत सारी AI फीचर भी हमें देखने को मिल जाता है इस डिवाइस में। और दोस्तों, देख सकते हैं आप इस डिवाइस में कैमरा बहुत ही अच्छा है, कैमरा का सैंपल्स आप देख सकते हैं। डे लाइट में भी बहुत ही अच्छा फोटो आता है क्योंकि इस डिवाइस में हमें AI फीचर देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट मोड भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि AI की वजह से बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और लो लाइट परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस का बहुत ही अच्छा है, लो लाइट में भी पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं हाई डायनेमिक रेंज भी इस डिवाइस का बहुत ही अच्छा है, और पोर्ट्रेट मोड भी बहुत ही अच्छा है, और लो लाइट में भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें बोके इफेक्ट वाला फोटो देखने को मिलता है। तो गाइस, ये था Redmi 6 Pro का कुछ कैमरा का फोटो सैंपल्स और ये ब्लू वेरिएंट। तो दोस्तों, Redmi 6 Pro से हम बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं, लो लाइट परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस का बहुत ही अच्छा है, और जो ब्लू वेरिएंट इस डिवाइस का लीक होके आया है, ब्लू कलर वेरिएंट, वो भी बहुत ही प्रीमियम लगता है। और ये डिवाइस ऑफिशियली लॉन्च होगा June 25th को, इस मंथ के 25th को ये डिवाइस कम्प्लीटली लॉन्च होगा। और दोस्तों, साथ ही साथ Redmi 6 Pro के साथ ही साथ Mi Pad 4 ये टैबलेट भी लॉन्च होगा, मतलब ये दोनों डिवाइस एक साथ ही लॉन्च होगा, Redmi 6 Pro और Mi Pad 4 टैबलेट एकदम June 25th को। तो गाइस, आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको इस डिवाइस का जो ये वेरिएंट है ब्लू कलर का, वो आपको कैसा लगा है, आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मेरा नाम है शोइकत और मिलता हूँ आपसे एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।